अब दोस्तों मैं आपके बीच एक ऐसी खबर लेके आ रहा हूं, नमस्कार नहीं कहूंगा, जिंदाबाद नहीं कहूंगा, आदाब नहीं कहूंगा और सत श्री अकाल नहीं कहूंगा, लेकिन सबको कह लेता हूं आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, और जो भी हो मतलब सबको मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन जो खबर मैं बताने वाला हूं वो खबर बड़ी चौंकाने वाली है और वो खबर शायद हो सकता है कि सियासी गलियारों में कल तक या 24 घंटे के अंदर वायरल होनी शुरू हो जाए। वायरल तो आप ही करा दोगे ना, तो वायरल शुरू होनी तो कल शुरू होगी, लेकिन मैं पहले ही आपको पेपर आउट कर रहा हूं, जिस तरह से इंटर का पेपर होता है या बोर्ड का पेपर होता है वो आउट हो जाता है, इस तरह से एक राजनीति का पेपर आउट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि 24 घंटे में बिहार की सरकार गिर जाए और बिहार की सरकार में नीतीश और कांग्रेस साथ साथ आ जाएं और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, जी हाँ, तेजस्वी की पार्टी जी, बाहर से समर्थन करने को तैयार हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बोझ सहते सहते नीतीश कुमार के कंधे थक चुके हैं और इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि शायद उनमें उतनी ताकत भी नहीं रही, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों को ही तोड़ा जा रहा है। आलोक रंजन उनके प्रवक्ता थे, उनको तोड़ लिया गया, जिनके बारे में कहा जाता रहा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते रहे, हालांकि मैं उनका समर्थन नहीं करता। लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये वही आलोक रंजन है जिनकी बीवी सब्जी वाले के साथ भाग गई थी। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन चलिए, अगर ऐसा हो रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन, क्योंकि प्रशांत किशोर इज द की, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का अगला चुनाव कैंपेन देखेंगे और प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जो वहां पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के पास, इस इक्वेशन को बिठाने के लिए, क्योंकि बिहार से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाए, क्योंकि जितना जहर बिहार के अंदर भरा जा रहा है उतना ही जहर बंगाल में चालू है। और क्यों चालू है इसका एक तीसरा कोना अगले मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि आज के मेरे सारे वीडियो बंगाल के आसपास होंगे, क्योंकि बंगाल अशांत है, बंगाल जल उठा है, बंगाल जल क्यों उठा है इसका भी मैं खुलासा करूंगा। लेकिन ये खुलासा करना बहुत जरूरी था कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ भले ही ना आए, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं और बाहर से समर्थन तेजस्वी यादव दे सकते हैं। उसके परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर शायद अगली बार मूंग दलती हुई नजर आए, चक्की चलाती हुई नजर आए, शायद उनको वहाँ उतना समर्थन ना मिल पाए आने वाले विधानसभा चुनावों में जो होने वाले हैं एक या दो साल बाद। तो दोस्तों कैसी लगी ये खबर, क्योंकि अगर सरकार जाने वाली है मोदी जी के हाथों से, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से, गिरिराज के हाथों से, और एक मोदी जी और हैं बिहार में उनके हाथों से, तो फिर तो बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है जो बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि ये अंदाजे हैं, लेकिन अंदाजे कभी कभी सच साबित हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।